बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मोहम्मद सुफियान शाहिद और थैंक यू सो मच आप लोगों की तरफ से। बहुत सारा प्यार, बहुत सारी मोहब्बतें मिलती रहती हैं दोस्तों की तरफ से भी, स्टूडेंट की तरफ से भी, टीचर्स की तरफ से भी। ये अच्छे अच्छे कम्प्लीमेंट मिलते रहते हैं, ये आप लोगों की दुआओं की वजह से है। सच कहूँ तो मैं अभी तक इस बात को तस्लीम नहीं कर पा रहा कि मुझे पढ़ाना भी आता है कि नहीं आता। आई विल ट्राई कि मैं पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। जो मेरी मेन जो बेसिक जो फोकस था मेरा, वो ये था कि मैं मोटिवेशन पे काम करूं। मेरा एक ही ख्वाब है और एक ही मिशन है जिसको मैं लेके चल रहा हूं, वो ये है कि किसी को मायूस नहीं करना, किसी के जो है वो कहते हैं ना टांगे नहीं खींचनी, किसी को ये नहीं कहना कि तुम नहीं कर सकते। बस उसे अप्रिशिएट करके इस काबिल बनाना है कि वो हर मैदान में सक्सेसफुल हो। सो उसी मेन एम को लेके मैं आज भी चल रहा हूँ और उसी के ऊपर मैंने काम किया और अल्हम्दुलिल्लाह से रिज़ल्ट आप सब लोगों के सामने आते रहते हैं। मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ परफॉर्म करता रहता हूँ, स्टूडेंट्स को अवेयरनेस देना, लोगों को मोटिवेट करना, उनको टीच करना, ये सारी चीज़ें जो है वो टेक पार्ट कर रही हैं। वन थिंग, बहुत सारे लोगों के जहनों में ये होता है कि मेरे एक के करने से क्या ये सिस्टम चेंज हो सकता है। वाई नॉट, एग्जैक्टली आपके एक के करने से बिल्कुल सिस्टम चेंज हो सकता है। लेकिन मेरे साथ कितने लोग अटैच हैं, एट अ टाइम बहुत सारे हज़ारों लोग अटैच हैं अल्हम्दुलिल्लाह से। सो क्या मैं एक अपनी ज़ात को बेहतर कर लूँ? मैं सबको तो बदल नहीं सकता, लेकिन मैं एक अपनी ज़ात को बदल लूँ तो वो जो हज़ार हैं जो मेरे साथ इंटरेक्ट करेंगे, वो मैं ये भी नहीं जहन में सोचता कि मैं अगर खुद अच्छा हो जाऊँ तो सारे लोग मेरे साथ अच्छा ही करेंगे। ऐसा नहीं होता, सारे लोग आपके साथ अच्छा नहीं करते। कुछ लोग अच्छा भी करते हैं, कुछ लोग बुरा भी करते हैं। वो भी एक आपका ज़िंदगी का एक हिस्सा है। जब वो बुरा करते हैं तो आपको उससे भी कुछ ना कुछ लर्न होता है। सो आपके साथ जितने भी लोग अटैच हैं वो क्या कर रहे हैं, आपको कुछ ना कुछ सिखा रहे हैं, आपको कुछ ना कुछ बना रहे हैं, या तो वो आप सही डायरेक्शन में चल रहे हो। सो मुआशरे के अंदर आपका जो टेक पार्ट है वो अगर मुस्बत होगा तो इंशाल्लाह बहुत सारे लोग मुस्बत की तरफ आना शुरू हो जाएंगे। जब आप अच्छा प्ले कर रहे होते हैं तो यकीनन हर बंदे की कोशिश होती है कि वो भी अच्छा बने। एक्चुअली वो लोग डरे होते हैं दूसरों के साथ, दूसरों के रवैयों से या किसी से धोखा खाने के बाद वो डरे होते हैं और इसी वजह से वो किसी के साथ भी अच्छा नहीं कर पाते। तो जब लोग आपके साथ अच्छा करेंगे, आप भी उनके साथ अच्छा करें तो अच्छा मुआशरा बन जाएगा। अपने मुल्क के लिए कुछ ना कुछ बेहतर करें। पैसा कमाना तो हर किसी ने है, बिल्कुल है। मैं समझता हूँ कि पैसा सब कुछ नहीं होता, पैसा होता है, बहुत कुछ भी होता है, और लेकिन सब कुछ नहीं होता। पैसे से हम खुशियाँ नहीं खरीद सकते, पैसे से आसाइशें खरीदी जा सकती हैं और आसाइशें हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं लेके आ सकती। आसाइशें एक वक्त आता है जब उस आसाइश के बाद उसको इस्तेमाल किया जाए। पहली दफ़ा जब वो मिलती है ना तब तो बड़ी खुशी देती है, लेकिन जब वो पुरानी हो जाती है तो कोई उसकी वैल्यू और वर्थ नहीं रहती। खुशियाँ कब आएंगी? आपका नाम और आपका स्टेटस और आप कैसे ज़िंदा रह सकते हो, ये सबसे ज़्यादा मैटर करता है। पैसे से आप ज़िंदा नहीं रह सकते ज़्यादा देर तक। पैसे से आप अपनी खुशी, अपनी आसाइश ये तो हासिल कर सकते हो, लेकिन अपनी ज़िंदगी को वैल्यू वर्थ कैसे दोगे? सर्व करके, अपना वक्त सर्व करें, अपना पैसा किसी के साथ सर्व करें, किसी के ऊपर सर्व करें, ह्यूमैनिटी के लिए आप काम करें, किसी के लिए किसी की खिदमत करें, इस पाकिस्तान के लिए कुछ ना कुछ करें। मैं समझता हूँ सबसे बड़ी बात यह है कि इस पाकिस्तान के लिए आप जिस जगह पे भी हैं ना अपना बेहतरीन दें, कोई देखे या ना देखे। बस आपको ये हो कि मैं डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल हूँ अल्लाह के सामने कि मैंने जो भी करना है ना वो सच करना है और हक पे काम करना है। तो इंशाल्लाह अल्लाह आपके चेहरे पर नूर भी लेके आएगा और आपकी बातों में असर भी होगा और लोग आपको मानेंगे भी और आप एक पर्सनैलिटी भी बनेंगे और लोग आपके लिए तालियां भी बजाएंगे। जाहिर सी बात है आप एक पर्सनैलिटी बन के साम लोगों के सामने आएंगे। सो उम्मीद है कि आप अपने ज़ात में बेहतरी लेके आएंगे, लाइक मैं जैसे लेके आ रहा हूँ। बड़ी कोशिश करता हूँ, फिर भी कमियाँ कुताहियाँ हैं, बहुत से ऐसी गलतियाँ हैं जो मैं आज भी कर रहा हूँ, लेकिन कोशिश करता हूँ उनको ओवरकम करने की ताकि इन फ्यूचर जो है उनके नताइज जो है ना वो बुरे ना हों। एक बात, एक मैसेज वो यही है कि ज़िंदगी को ना आसान ना बनाएं। ये जितना आप इसको आसान बनाएंगे ये ज़िंदगी आपके लिए उतनी तलखियाँ पैदा करेगी। सो तलख ज़िंदगी को इंजॉय करें, फिर आपके लिए ये ज़िंदगी जो है वो बेड ऑफ रोज बन जाएगी। पैसे तो नहीं है, लेकिन जब आप तलख ज़िंदगी गुजारोगे तो फिर इंशाल्लाह एक दिन ऐसा आएगा कि आप इसके आदी हो जाओगे और आप मायूसी नहीं उम्मीद बांटोगे। बेस्ट।